लो भाई, आयरलैंड में आने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आयरलैंड में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं वर्क परमिट में 2025 में। आप आ रहे हो स्टडी वीजा लेके आयरलैंड में, क्या कुछ उसमें चेंजेस आने वाले हैं? और अगर आप 2025 में आयरलैंड आने की सोच रहे हो तो फायदा है स्टूडेंट को या फिर नहीं? और कौन सा ऐसा आयरलैंड का वीजा है जिसमें आपको बेनिफिट होगा? स्टडी वीजा, क्रिटिकल स्किल वीजा, फिर जर्नल वर्क परमिट या फिर टूरिस्ट वीजा? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो ये जो भाई ना वीडियो है, ये है भाई अपना आयरलैंड में अगर आप रह रहे हो, साथ में अगर आप आयरलैंड में आने की सोच रहे हो, डिसीजन बना लिया, जर्नल वर्क परमिट पे आ रहे हो, स्टडी वीजे पे आ रहे हो या फिर क्रिटिकल वीजे पे आ रहे हो, क्या चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं 2025 में? भाई ना काफी चेंजेस होने वाले हैं वर्क परमिट से रिलेटेड आयरलैंड में, तो वो आपको भाई ना बताने वाले हैं। साथ में ना यहाँ का वेदर देखो, इस टाइम ना अब तक भाई ना इंडिया की तरह यहाँ पे भाई ना गर्मी से ही चल रही है, यानी कि इतनी ठंड नहीं हुई है। तो भाई ना आपको साथ में ना पार्क में लेके चलेंगे, तो बताते हैं आयरलैंड में जनरल वर्क परमिट और कंडीशन क्या चेंज होने वाली है यहाँ पे ना स्टडी से रिलेटेड आयरलैंड में। आने का फायदा ये नहीं है, सब कुछ भी ना आपको एक्सप्लेन करेंगे। अपने घर के पास में भाई ना एक पार्क है छोटा सा, नया नया बनाया है वो, मगर चलो आपको भाई ना पार्क भी दिखा देंगे, साथ में ना क्या चेंजेस आ रहे हैं भाई यहाँ पे ना जनरल वर्क परमिट में। तो पहले जो चेंजेस थे और 2025 जनवरी से जो चेंज आने वाले हैं, लोग नहीं लगा, ये लगा दी मेरा देख रहा, पार्किंग बढ़िया लगी ना लगी? हाँ, पार्किंग इतनी खुली में अभी भाई ना, ये देखो सारी पार्क अभी वहीं पे गाड़ी के पास ही पार्क कर। हेलो डॉगी, हाउ आर यू? अबे तेरे मुछे निकल रही है भाई यार, ये ना काटते नहीं है। वैसे यहाँ पे ना रूल है, अगर कोई डॉगी काट जाए ना तो 8000 रुपए मिलेंगे। हाँ, इस बंदे ने ना पहले जब एयरपोर्ट पे उतरा था ना भाई, पहले दिन इससे बता दिया था यो भाई ना पास जावा डॉगी के जब ते ना कि 8000 रुपए बिना करे कराए मिल जाएंगे। भाई देखो कितना सोना पार्क है, कितना बड़ा पार्क है बनाया हुआ ना। थोड़ा काम चल रहा है पार्क में, काम चल रहा है क्योंकि ना भाई ना काफी झूले झाले लगाने लग रहे हैं, यानी कि बच्चों के खेलने वास्ते, एक्सरसाइज कराने वास्ते भी ना ये सारे बन रहे ना, ये नए है बने हुए। तो स्टडी वीजा भाई ना दलवित भी आते हैं, क्या कुछ लगे वैसे एक्सपीरियंस क्या कहेगा जो नए बंदे आ रहे भाई? तो सही है, अगर कोई बंदा स्टडी वीजा कर रहा भाई, देखो नेगेटिव चीजें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। वो तो हर कंट्री है, चाहे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां मर्जी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो भाई ना। वैसे यहाँ पे देखो जनवरी में ना सैलरी भी स्केल बढ़ने वाला है, मिनिमम अभी जो सैलरी है 1270 है, तो 13 यूरो कुछ होने वाली है, लेकिन 1350 समथिंग ऐसा कुछ है, 1350 कुछ ऐसे होने वाली है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा भाई ना, जो झुका हुआ दोनों तरफ से ना, रूल चेंज हो रहे ना, तो ये भी चेंज हो रहा है, ये सारा भाई ना नया बना दिया देखो पार्क में ना। तो जो मेन बात करते हैं अभी अपना सैलरी क्या कुछ चेंजेस होने हैं, स्केल क्या कुछ चेंज कर रहे हो ना, तो जर्नल की बात करते हैं अभी। जर्नल वर्क परमिट अगर आप आयरलैंड में पहले रहते थे, नया लगवा रहे हो परमिट, तो अब से क्या होने वाला है, 34000 आपकी मिनिमम सैलरी होती है, तो अब कितनी हो रही है, 38000 हो जाएगी, 38000 हो रही भाई मिनिमम सैलरी आपकी, 38 होनी जरूरी है। ये भाई ना देखो कितना बढ़िया पार्क है, एक काम करते हैं भाई यहाँ पे ना बच्चे बोल लेंगे हमारे पास, थोड़ा वॉक करते हुए बनाते हैं। तो 38000 भाई अपना मिनिमम सैलरी होनी जरूरी है, और साथ में था भाई अपना क्रिटिकल। हाँ क्रिटिकल 38000, वैसे जर्नल का अच्छा पैकेज माना जाता है, मतलब अच्छा पैकेज है हिसाब से 38000, यानी कि ना तभी आपका यहाँ पे ना परमिट लगेगा भाई अगर आपकी 38000 सैलरी है। दूसरा भी अपना क्रिटिकल स्किल, उसमें पहले 38 होती थी, तो वो स्केल बढ़ा के भाई 44000 कर दिया, 44000 अगर जो 44000 होगी यानी कि तभी आपको मिलेगा, वो मिलेगा कि वीजा जो भी आप अपग्रेड होएगा आपका, वो तो भाई ना तभी मिलेगा। ये देखो भाई ना बढ़िया बना रखा बिल्कुल, टेबल टेनिस वो किसी और का था, अच्छा वो किसी और गेम का था, वो एडवांस टेबल टेनिस था, ये पुराने वाला टेबल टेनिस। ये भाई ना देखो किस हिसाब का बना रखा, सीमेंटेड ना। तो इसमें भी ना नुकसान क्या, फायदा क्या है? देखो भी नुकसान तो है कि अगर आप आयरलैंड में रह रहे हो ना, तो आपको मिनिमम इतना कोई कंपनी पे कर रही ना, तभी आपको भाई परमिट मिलेगा, वीजा मिलेगा। इसमें ये है, अगर आपके पास स्किल्स होंगे ना तभी आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तभी आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आपको क्यों इतना पैकेज देगी? बिल्कुल, जैसे अगर आप लगा लो भी अगर आप शेफ हो, तो 38000 यानी कि पहले होता था 34000 में आपको आयरलैंड में वर्क परमिट इशू हो जाता था। लगा लो मेरी अपनी दुकान है, मैं किसी वर्कर को रखना चाहूंगा ना, तो पहले भाई 34000 मेरे को अपने उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं उसको रख लेता था। तो अब वो इमिग्रेशन बोल रही है, जो रेवेन्यू बोल रहा है भाई 38000 कम से कम बंदे को आपने पे करना है साल का, तभी हम आपको इशू करेंगे वर्क परमिट। तो भाई ना इतनी सैलरी कौन दिखाएगा? तो जिसकी दुकान है बताया कि यहाँ पे इतनी सैलरी है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी भाई ना कोई अपनी दुकान पे रखेगा। सही भाई ना अपना क्रिटिकल स्किल पे है, तो भाई ना कंपनियां तभी आपको रखेंगी अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप आयरलैंड में ऑलरेडी वर्क परमिट पे हो तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपका नया वर्क परमिट लग रहा है
जनवरी से ये चेंज हो रहा है, मिडल ऑफ जनवरी समवेयर ना, तभी अपना रूल वगैरह आते हैं। सेम रूल इंग्लैंड में भी आया था कुछ टाइम पहले, यहाँ पे भी सेम आने वाला है। पाकिस्तान व्यू बहुत है ना यार, यहाँ पे देख के ना हमको क्रिकेट की याद आवे ना, ऐसे ऐसे मौसम पे ना, सुबह सुबह इस मॉर्निंग में ओस पड़ी हुई है ना। हाँ ये देखो ना, मम्मी यार कहते थे ना कि आंखों की रोशनी तेज हो ना, ऐसे ऐसे में ना। कोई नहीं, जूते काट दो फिर चलो अभी भाई ना। तो भाई ना साथ में है कि काम मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। देखो अगर आप जनवरी में आ रहे हो ना, डिफिकल्ट होना बिना, मुश्किल होना जनवरी में काम ढूंढना। इस टाइम थोड़ा सा है मतलब कि ना डाउन टर्म चल रहा है जो भी है, मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे आ गए हैं साइलम सीकर्स की वजह से, मतलब कि मार्केट डाउन होती जा रही है बहुत। तो भाई ना ये भी है कि भाई ये बोलेंगे कि भाई तुम अपने आप तो वहाँ पे पहुँच गए, हमको भाई ना बोल रहे हो कि ना आओ, तो आओ भाई जरूर आओ, लेकिन थोड़ा सा अपना स्किल वगैरह सीख के और यहाँ की थोड़ी सी कंडीशंस भी सोच के समझ के कि यहाँ पे अकोमोडेशन भी थोड़ी सी ना पता होना चाहिए आने से पहले कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है कंट्री की। बैड नहीं है लेकिन हाँ भाई अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हमने पहले बताया वो हर एक कंट्री के होते हैं। तो मेन तो कि भाई अपना अकोमोडेशन की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इस फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत है अकोमोडेशन। 800-900 हजार यूरो, 800 से 1000 यूरो आपको भी ना मंथ का आपका एक्सपेंस हो जाता है, तो इतनी ही इनकम आपकी बनेगी, लगा लो कि 500-400 यूरो आप सेव कर पाते हो भाई ना। ये कुछ भाई अगर आप मतलब कि रह रहे हो सिटी से दूर तब आपको थोड़ा हाँ खर्चा कम होएगा, लेकिन फिर आप ट्रैवल कैसे करोगे जहाँ पे आपका कॉलेज है, ट्राई करो भी ना उसके पास में ही, कुछ ट्रैवल वगैरह ना करना पड़े आपको ज्यादा, वहीं पे अकोमोडेशन आपको मिल जाए ना वो सबसे बेस्ट है। और जॉब मिल जाएगी ना मिल जाएगी, देखो जनवरी से ना क्या है कि क्रिसमस पे भी यहाँ पे ना काम ज़्यादा होता है, तो क्रिसमस तक आपका काम बढ़िया चलता है, जॉब भी मिलती है, कंपनियाँ जॉब देखती भी हैं, जर्नल वर्क परमिट्स भी लगते हैं, तो जनवरी से तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है काम ना यहाँ पे, तो काम कुम लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी भाइयों का लग रहा है ना वीज़ा, आओ भाई ना और स्ट्रगल करो थोड़ा सा, बनते ही है पता चलेगा। हाँ यानी कि अभी तो कहना कि काफ़ी दुनिया आ रही है भाई ना, इधर उधर मूव हो रही है, स्ट्रगल टाइम है, यानी कि ना भाई ना शुरू में जब आप आते हो सब देखते हैं टाइम, बट एक दो साल के बाद सब कुछ रिकवर हो जाता है भाई ना। तो एक छोटा सा कुत्ता है भाई ना, डोगी है अपने पीछे, ये पोनी वाला कुत्ता, उसके ना चुंडी चोटी कर रखी भाई, उसका ना रबड़ लगा रखी है, दो छोटी छोटी सी गुड़िया लेकर जा रही थी। देखो भाई ना कितना बड़ा ये पार्क है, ये सेम क्वेश्चन है भाई ना, जब मेरे बापू आया हुआ था ना यहाँ पे बैठते थे भाई ना मम्मी डैडी, और इसकी सैर करते थे भाई ना, और अंदाजा लगावा था कि यहाँ पे कितने किलोमीटर होगा, कितनी जमीन होगी, किसकी है इतनी जमीन होगी। और चीजें भाई मिस करते हैं अपना, दिवाली वगैरह अगर इंडिया से आ रहा हूँ ना, यही चीजें बड़ी मिस करते हैं भाई यहाँ पे आके ना, तो थोड़ा सा ये भी एक स्ट्रॉन्ग माइंड बना के ना, तब फैमिली फंक्शन हो गए थोड़े छोड़ने पड़ते हैं, ये वो शादी ब्याह का वो ही नहीं है यहाँ ना। और काम कर सकता है स्टूडेंट, वो अब तक वही ना 20 घंटे ही उन्होंने बोल रखा है कि 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप काम ना, लीगल पाई हो जाता है वो, हो जाता है यार ना कि वो बंदे पूछते भी कमेंट में कि भाई 20 घंटे से ज़्यादा करेंगे तो क्या कुछ, वो अपनी सेटिंग बन जाती है अपने, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो भाई फिर भी अपना चैनल पर नया हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे और सचिन को भी ना थोड़ा सा सपोर्ट मिले। लास्ट में ये है कि भाई आयरलैंड में परमिट लगते कौन कौन सी कैटेगरी में है, कौन कौन सी आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे वीज़ा ना, कौन कौन से लगता है, तो टूरिस्ट वीज़ हो गया, स्टडी वीज़ हो गया, और अपना जर्नल कैटेगरी का वीज़ हो गया, और क्रिटिकल स्किल्ड वीज़ हो गया। यही भाई तरीके से आप आ सकते हो। बंदे सोचते हैं यहाँ पे ना असाइलम लेके आ जाए, फिर विजिट वीज़े पे आके पक्के हो जाए, वो रेकमेंडेड नहीं है, बट वो आपके ऊपर अभी ना आपने आना तो पड़ेगा ना पहले, असाइलम तो बाद में ही ली जाएगी। अच्छा पहले आओगे टूरिस्ट वीजे पे आओगे, एंटर करोगे तभी तो कुछ करोगे ना, अभी बट ये तो ऐसे तो अलाउड नहीं करने का ना कोई कि अभी कोई असाइलम पे आ रहा। हाँ ये भी अभी ना जैसे स्टडी पे आगे उसके बाद अप्लाई करते हैं बंदे, विजिट पे आगे उसके बाद, बट वो रेकमेंडेड नहीं है कि आप अपना इलीगल हो तब उसके बाद, उसमें वही है ना बंदा स्टक हो ना कहीं जाने जोगा ना कहीं। हाँ उसमें है कि भाई आप ना ट्रैवल नहीं कर पाओगे काफ़ी टाइम तक ना, तो उसमें डाउन यही चीज़ है अपना ना। हाँ लो भाई ना काफ़ी बढ़िया वॉक होगी आज तो ना, साथ में अपने भाई ना एयरपोर्ट भी है, देखो आपको ना आवाज़ आ रही है, एयरप्लेन जा रहा है भाई पीछे। तो ये थी भी आज की एक छोटी सी वीडियो, फिर भी आप चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई ना जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख लेना भाई ना अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और साथ में अगेन टॉप मेट पे जाके सचिन देसी के साथ अपना बातचीत कर सकते हो भाई ना, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने कुछ हेल्प लेनी होती है, आपने कुछ पूछना होता है आयरलैंड के बारे में। तो आई होप इन जो द ब्लॉग मिलता है।